नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल के आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। IB71 का मैंने अभी भाई साहब ट्रेलर देखा और ये ट्रेलर देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ये ट्रेलर नहीं है, ये है बवाल। और जिस तरीके से यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर काफी टाइम से यार रीमेक मूवीज आ रही है, कुछ ऐसा फ्रेश पीस भी आना चाहिए जो कि भाई साहब दिल को खुश कर दे। और ऐसा ही ट्रेलर यहाँ पे टी सीरीज के ऊपर आ चुका है IB71। काफी टाइम हुआ है लेकिन मैंने जो है वो अभी देखा है, काफी ज्यादा अच्छा ट्रेलर है IB71 के अंदर। विद्युत जामवाल का जिस तरीके से लुक है, 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक सीक्रेट मिशन किया गया था, उसको लेके यहां पे इस मूवी को बनाया गया है। और जिस तरीके से इसके अंदर 1971 का जो टाइम है वो दिखाया गया है, जो कास्ट है, जो कोरियोग्राफी है, यहां पे सिनेमेटोग्राफी है, टोटली आउटस्टैंडिंग है। और जिस तरीके से इस यहां पे भैया ट्रेलर के अंदर जो यहां पे कलर ग्रेडिंग की गई है, ओहो हो भाई साहब, हर एक यहाँ पे जो है वो एंगल फ्रेम के अंदर है। और जिस तरीके से इसके अंदर BGM सेट किया गया है, VFX यूज किए हैं, टोटली आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे अनुपम खेर तो भाई साहब जबरदस्त लग रहे हैं। अनुपम खेर का ये जो लुक है वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई साहब एजेंसी का जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे दिखाया गया है अनुपम खेर को। और कहीं ना कहीं ये जो मूवी आने वाली है IB71, ये भी एक बहुत बड़ा बॉलीवुड के ऊपर इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि विद्युत जामवाल का जिस तरीके से भाई साहब लुक है वो भाई साहब एक्शन का तो बाप है, लेकिन अब इस बार एक नई चीज को ट्राई किया है, एक यहाँ पे एजेंट का भाई साहब जो है वो रोल दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। बाकी ये जो है वो किस तरीके से सस्पेंस थ्रिल को क्रिएट करता है और किस तरीके से यहाँ पे जो है वो मूवी के अंदर चीजें आती है वो यहाँ पे देखने लायक होगी। बाकी इस ट्रेलर को देखकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप किसी और ट्रेलर का रिव्यू देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रिव्यू लाते रहें और आपको यहाँ पे एंटरटेन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत, हरे कृष्णा।